जादुई बगीचा। गोलू और गुड़िया, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम बगीचा देखने चलेंगे। अम्मा, हम कौन सा बगीचा देखने जा रहे हैं? हमारे शहर में एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया गया है, आज हम वही देखने जा रहे हैं। क्या पापा भी हमारे साथ आ रहे हैं? नहीं, तुम्हारे पापा ऑफिस गए हैं, वो हमारे साथ नहीं आ रहे। चलो तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। तीनों तैयार होकर बगीचे में पहुंच जाते हैं। बगीचा बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा होता है। गोलू और गुड़िया ने इतना सुंदर, इतना बड़ा बगीचा पहले कभी नहीं देखा था। दोनों बहुत खेलते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं। माँ उनको देखकर बहुत खुश होती है। बगीचे के अंदर एक होटल होता है, तीनों वहाँ शाम को खाना खाते हैं। गोलू और गुड़िया तो घर भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन माँ उन्हें फिर से वहाँ लाने का वादा करके घर लेकर चली जाती है। माँ, आज हमें बहुत मजा आया, बगीचा बहुत ही सुंदर था। भैया सही कह रहे हैं माँ, मुझे भी बहुत मजा आया। अब हम दोबारा कब बगीचे में जाएंगे? अब हम तुम्हारे पापा को भी बगीचे में लेकर जाएंगे। हाँ माँ, पापा के साथ और भी मजा आएगा। चलो, अब तुम दोनों बहुत थक गए होंगे, अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन दोनों के सपने में सिर्फ बगीचा ही घूमता रहता है। दूसरे दिन दोनों स्कूल में अपने अपने दोस्तों को अपने बगीचे के बारे में बताते हैं। स्कूल से घर आकर दोनों दोबारा बगीचे में जाने की बात करते हैं और कई दिनों तक अपनी माँ से बगीचे में चलने कहते रहते हैं, लेकिन माँ उन्हें टालती रहती है और कहती है, तुम्हारे पापा को समय नहीं मिल रहा है, जैसे ही पापा को समय मिलेगा हम चलेंगे, ठीक है। बहुत दिनों तक गोलू और गुड़िया की बात ना मानने पर गोलू और गुड़िया स्कूल के दोस्तों के साथ बगीचे जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं और छुट्टी वाले दिन सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछकर ग्रुप बनाकर बगीचे में पहुंच जाते हैं। पर आज बगीचे का नजारा ही कुछ और होता है, पहले से भी बहुत सुंदर और साफ। सभी बच्चे बगीचे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बगीचे के अंदर उन्हें एक अंकल दिखाई देते हैं जो बहुत ही अजीब कपड़े पहने होते हैं। आप कौन हैं और आपने ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मैं इस बगीचे का मालिक हूँ, तुम्हारे माता पिता या कोई बड़ा तुम्हारे साथ नहीं आया? अंकल, उनके पास टाइम नहीं था, इसीलिए उन्होंने हम सब बच्चों को एक साथ ग्रुप में इस बगीचे में छोड़ दिया है। अब थोड़ी देर बाद वो हम सबको लेने आ जाएंगे। बच्चों, ये बगीचा बहुत बड़ा है, इसीलिए सब साथ में रहना, नहीं तो कोई बच्चा खो सकता है। अंकल, क्या आप हमें ये बगीचा दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बच्चों, मैं तुम्हें ये बगीचा दिखाऊंगा। सभी बच्चे बहुत खुश होकर अंकल के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अंकल उन्हें ट्रेन की सवारी करवाते हैं, बहुत सारे झूले झुलवाते हैं और बहुत सारे तरीके के खाने भी खिलाते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो जाती है और उनके माता पिता उन्हें लेने आ जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों से पूछते हैं, बेटा तुम्हें बगीचे में कैसा लगा? तो बच्चे कहते हैं, इस बगीचे के मालिक अंकल ने हमें पूरा बगीचा घुमाया, हमें ट्रेन में बिठाया, हमें खाना खिलाया और आइसक्रीम भी खिलाई और पूरा बगीचा दिखाया। तो माता पिता कहते हैं, हमें भी इस बगीचे के मालिक से मिलना है। लेकिन जैसे ही बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं, अंकल उन्हें नहीं दिखाई देते। माता पिता बगीचे के चौकीदार से पूछते हैं कि इस बगीचे के मालिक कौन है, हमें उनसे मिलना है, उन्होंने हमारे बच्चों का बहुत ध्यान रखा। इस बगीचे के मालिक को गुजरे हुए तो कई साल बीत गए हैं, पर ऐसा सुनने में आता है जब भी कोई बच्चा अकेला इस बगीचे में घूमने आता है तो बगीचे का मालिक उसे पूरा बगीचा दिखाता है, उसे खिलाता पिलाता है और घुमाता है। ये सुनकर सभी माता पिता और बच्चे चकित रह जाते हैं। जैसे ही बच्चे घर जाने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं तो उन्हें अंकल दोबारा दिखाई देते हैं जो उन्हें बाय कर रहे होते हैं। देखो मम्मी पापा, वो अंकल खड़े हैं और हमें बाय भी कर रहे हैं। माता पिता बहुत देखने की कोशिश करते हैं,
लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। जादुई सोना छाते की कहानी। एक गांव में मयूर नाम का एक नौजवान अपने माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मयूर बहुत ही होनहार, दयालु और सज्जन था। बरसात के मौसम में वो अपने कॉलेज जा रहा था। अचानक बादल घिर आए और बरसात होने लगी। उसके पास छाता भी नहीं था। वो पानी से बचने के लिए एक मोटे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसे काफी देर हो रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मयूर ने कहा, हे भगवान, मेरी बिनती सुन लो। कुछ देर के लिए बारिश को रोक लो। इस गरीब की पढ़ाई का सवाल है। सभी विद्यार्थी रास्ते से छाते लेकर जा रहे थे। मयूर बड़े दुखी मन से उन्हें देख रहा था। अचानक पेड़ के ऊपर से आवाज आई, मैं तुम्हें बारिश की पानी और हर एक परेशानी से बचाऊंगा। मयूर बोला, कौन बोल रहा है? अचानक एक सुनहरा छाता पेड़ से उतरकर खुल के सामने आ गया। मैं एक जादुई छाता हूँ। मेरा नाम सोना छाता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा। भलाई के रास्ते पर चलोगे तो जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे अपने सिर पर तान लो और आगे बढ़ो। तुम्हें देर हो गई है, मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगा। मयूर ने बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान हमारी पुकार सुनते हैं, लेकिन इतनी जल्दी सुन लेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। पानी तेजी से बरस रहा था। मयूर जादुई छाता ताने आगे बढ़ रहा था। छाता बोलता है, अब मुझे पकड़े रहना, बहुत जल्दी और सुरक्षित पहुंचाऊंगा। कुछ ही पलों में मयूर कॉलेज के सामने पहुंच गया। कुछ समय के बाद कॉलेज से निकलने के पश्चात वो बाहर रास्ते पे चल रहा था। आगे निचले भाग में बरसात का पानी भरा हुआ था। तभी मयूर ने बोला, प्यारे दोस्त, अब क्या करें? सामने पानी से तालाब बन चुका है, कोई राह निकालो। छाते ने चमत्कार किया, पानी हटा और शानदार राह बन गया। घर पहुंचते ही माँ ने जब मयूर के हाथ में सुंदर सोना छाता देखा तो देखती ही रह गई। मयूर बोलता है, माँ, ये ऊपर वाले की कृपा है। मैं भीगने से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने मुझे ये जादुई छाता दे दिया। ये छाता बड़ा ही चमत्कारी है। उसने हाथ मुंह धोया और माँ के साथ रोटी दाल खाने के लिए बैठ गया। केशव ने बोला, कोई बात नहीं माँ, खाना बहुत स्वादिष्ट है। सोना छाता खुली आंखों से उनके गरीबी के हाल को देखता ही रह गया। पूरे घर में सामान के नाम पर कुछ गिने चुने बर्तन, एक छोटी सी खाट और कुछ पुराने कपड़े दिखाई पड़े। छाते से आवाज आती है, आप लोग क्या खाना चाहते हैं? मयूर ने बोला, खाना तो हम खा रहे हैं, आप हमको क्या दिला रहे हैं? छाते ने चमत्कार किया और कई व्यंजन उनके सामने हाजिर हो गए। माँ और बेटा दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पेट भरकर सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया और छाते को धन्यवाद दिया। छाते ने देखा उनकी घास फूस के छप्पर से पानी टपक रहा था। छाते से आवाज आया, क्या आप लोग कुछ पल के लिए घर से बाहर निकलकर खड़े हो सकते हैं? मयूर ने बोला, क्यों नहीं, लगता है इस बार भी आप कोई नया चमत्कार दिखाना चाहते हैं। वो दोनों छाते को लेकर घर के बाहर आ गए। अचानक उन्होंने मुड़कर देखा तो उनका छोटा सा पुराना घर सुंदर छोटी हवेली में बदल चुका था। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। घर के अंदर सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। एक बक्से को उन्होंने खोलकर देखा तो उनकी आंखें चौंधी आ गई। सोने चांदी रुपए पैसों से भरे हुए उस बक्से ने उनकी गरीबी को सदा के लिए अलविदा कर दिया था। मयूर और उसकी माँ ने धन दौलत का सदुपयोग ही किया और लोगों की बहुत मदद भी की। उनकी जिंदगी
खुशियों से भर गई थी। एक दिन उनके एक लालची पड़ोसी ने जादुई छत्ते के चमत्कार को देख लिया। उसने मौका देखकर छाते को चुरा लिया। मयूर और उसकी माँ बेसब्री से छाते को ढूंढने लगे। वो बहुत परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ छाते को चुराने वाला पड़ोसी बहुत खुश था। उसने छाते को एक मेज पर रखा और घर का दरवाजा बंद कर दिया। पड़ोसी ने बोला, मुझे बहुत सारी धन संपदा दे दो, हीरा मोती सोना चांदी माणिक पन्ना सब कुछ चाहिए, मेरा घर रुपयों से भर दो, मुझे राजा बना दो। छाता उड़कर घर में गोल गोल घूमकर डोलने लगा। पड़ोसी का मन टटोलने लगा। पड़ोसी ने सोचा, अब कुछ अच्छी बात होगी, धन दौलत की बरसात होगी। अचानक छाता क्रोधित हो गया और बोला, तुम एक चोर और बड़े लालची आदमी हो। लालच है एक बुरी बला, उससे किसी का कहा हुआ भला। मैं तो यहाँ से उड़कर चला जाऊंगा। तुम जाकर मयूर और उसकी माँ से क्षमा मांगो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पड़ोसी ने बोला, छाता महाराज मुझे माफ कर दो, मैं अभी जाकर मयूर और उसकी माँ से क्षमा मांगता हूँ। पड़ोसी जादुई छाते के साथ जाकर मयूर की माँ के चरणों पर गिर पड़ा और उसने बोला, चाची जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने धन दौलत के लालच में आकर आपके छाता को चुरा लिया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। पड़ोसी शर्मा रहा था, छाता मुस्कुरा रहा था, मयूर माँ के बड़प्पन पर फूला नहीं समा रहा था। इससे हमें ये सीख मिलता है, लालच बुरी बला है, चोरी करना पाप है, नेक और सज्जन इंसान की मदद भगवान भी करते हैं।